श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल ने गूगल प्ले स्टोर में अपना एक पेरेंट्स ऐप लॉन्च किया। श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल में बच्चों के अभिभावकों के साथ वर्कशॉप कर उनके इस बातों की जानकारी दी गई कि मेरा विद्यालय गूगल के प्ले स्टोर में अपना एक खास ऐप लॉन्च कर रहा है, जिसके द्वारा घर बैठे अपने बच्चों का पूर्ण विवरण प्राप्त कर सकेंगे तथा वे ढेर सारे कार्य घर बैठे कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें समय निकालकर विद्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने घर बैठे अपने बच्चों की उपस्थिति चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं उनका बच्चा विद्यालय पहुँचा है या नहीं। वे बच्चों का क्लास वर्क, होमवर्क चेक कर सकते हैं। संपूर्ण सत्र के अंतर्गत ली जाने वाली अलग अलग परीक्षाओं में वे अपने बच्चों को प्रगति पत्र देख सकते हैं। विद्यालय से दी गई सूचना से वे घर बैठे अवगत हो सकते हैं। आपकी बातों से विद्यालय को अवगत करा सकते हैं। ऑनलाइन फी जमा कर सकते हैं। एडमिशन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। TC रिपोर्ट कार्ड, CCL मेरिट आदि के सर्टिफिकेट घर बैठे आप आवेदन देख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। हमारी स्कूल बस को GPS से ट्रेस किया गया है। आप जान सकते हैं आपका बच्चा कहाँ है। गुरु नानक पब्लिक स्कूल के नाम पे एप्लीकेशन है। हाँ। प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल है। ठीक है, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें जो पेरेंट्स के लिए सुविधाजनक बनाई गई है, जैसे कि घर बैठे अगर पेरेंट्स फी पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन घर बैठे अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को इतने दिन होमवर्क मिलते थे, जो बच्चे को डायरी में लिखा जाता था, बहुत सारे रहते होते बच्चे का डायरी घूम जाता था, अभी ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन होमवर्क वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चे का बस लोकेशन दिया गया है GPS के द्वारा, अगर घर बैठे कोई इसको ट्रैक करना चाहते हैं कि बच्चे अभी कहाँ पर है, किस जगह पर अभी अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन के द्वारा देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चे का ई कंटेंट, कोई स्कूल में फंक्शन होती है उसकी वीडियोस वगैरह, जैसे बच्चे ने एक्टिविटी में पार्ट लिया हो तो उसका फोटोज़ वगैरह, वीडियोस वगैरह जो है ये एप्लीकेशन उनको मिल जाएगी, इसके थ्रू वो उसको यूज़ कर सकते हैं। इस नए ऐप को लॉन्च करते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सरदार इंद्रपाल सिंह सैनी ने, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के जनरल सेक्रेटरी सरदार जगजीत सिंह सोनी ने कहा कि शैक्षणिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना बेहद जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, आपके सहयोग से इसे आगे ले जाएंगे। रामगढ़ जिला में पहला स्कूल हमारा गुरु नानक पब्लिक स्कूल रामगढ़। हाँ। इसने एक ऐप लॉन्च किया है। हाँ। इस ऐप आप यूट्यूब से या किसका अपना मोबाइल में लोड कर सकते हैं। हाँ। जिससे आपको अपने बच्चे के बारे में पूरी जानकारी मिली, आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, 2 महीने पहले उसकी क्या पोजिशन थी, आपकी स्कूल पेमेंट जो पेमेंट है, फीस पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपका यदि बच्चा स्कूल में बस में आता है, बस किस पोजिशन में है, कहाँ पर है, ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको यदि किसी टीचर को कंप्लेन करनी है, आप घर बैठे ही उसमें कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इस अवसर पर रिसोर्स पर्सन सुशील त्रिपाठी एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सरदार इंद्रपाल सैनी, उपाध्यक्ष सरदार परविंदर सिंह जस्सल, उपाध्यक्ष प्रबंधक सरदार जसपाल सिंह अरोड़ा, सरदार नरेंद्र सिंह गांधी, सरदार मनजीत सिंह होरा, सरदार हरदीप सिंह, सरदार संजीव सिंह संजू, सरदार हरविंदर सिंह चमन, सरदार दलजीत सिंह छाबड़ा, प्राचार्य हरजाप सिंह तथा गुरुद्वारा प्रधान रमिंदर सिंह तथा मित्र प्रधान सरदार बलविंदर सिंह पवार तथा विद्यालय के सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थित हुए। न्यूज लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है